वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सच का सारथी। नमस्कार, मैं अभिराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। समाजवादी पार्टी जो इन दिनों कमर कसकर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के लिए तैयारी में जुटी है, लेकिन इस तैयारी में सपा नेता और खुद सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव हर हद को पार किए जा रहे हैं। बीजेपी को हराने की धुन में सपा और अखिलेश कभी जिन्ना के लिए प्रेम दिखाते हैं तो कभी उन्हीं की रैलियों में उन्हीं के कार्यकर्ता पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। ये सोचकर कि देश का मुसलमान उन्हें सुनकर, उनकी बातों को सुनकर, उनसे खुश होकर शायद उन्हें चुनाव में जिता देगा और उन पर भारी भरकम वोट देकर उन्हें विजेता बनाएगा और सूबे का मुख्यमंत्री बनाएगा। यहां तक कि सपा नेता बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी में हर मर्यादा को लांघ रहे हैं। इस बीच ताजा मामला सामने आया है जहां पर एक और सपा नेता ने सूबे में हुए अपराधियों के एनकाउंटर का बदला लेने के लिए बीजेपी को ललकार लगाई है। आइए पहले आपको सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कहा। विधायक को फिर कह रहा हूं कि जो सात बेटों की गोली लगवाई है तेरे बाप से भी इसका बदला मैं लेके दिखाऊंगा। बहुत सारे हिसाब किताब है, अगर आपके सारे अपने हिसाब किताब कर ले हैं, आपको अपने सारे हिसाब लेने हैं, अपने बच्चों का भविष्य ठीक करना है तो अपने बेटे अपने लाल को खादिम बनाना पड़ेगा। जबकि चुनाव आए जनवरी के लास्ट के हफ्ते में हो या फरवरी के पहले हफ्ते में हो। तो जनाब ये है सपा विधायक असलम चौधरी जो चीख चीख कर ये कह रहे हैं कि बहुत सारे हिसाब किताब करने हैं, सबका बदला लेना है, जहां जहां अपराधियों को गोली मारी है उन सब का बदला बीजेपी विधायकों के बाप तक से लिया जाएगा। अपराधियों का बदला, ये तो शायद आपने पहली बार सुना होगा, लेकिन सपा के लिए ये कोई आम बात है क्योंकि उन्होंने ही तो उत्तर प्रदेश को मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे और ना जाने कैसे कैसे बाहुबली नेता और कुख्यात बदमाश दिए हैं, जिन्होंने यूपी की जमीन पर आतंक की नई गाथा रची। लेकिन सवाल यह है कि आखिर सपा का अपराधियों से इतना प्रेम क्यों है? आखिर उनका पाकिस्तान से इतना क्यों प्रेम है? आखिर उनका जिन्ना से इतना प्रेम क्यों है? इंसाफ तो मासूमों की मौत का लिया जाता है, अपराधियों को तो सजा दी जाती है और यही काम यूपी पुलिस और योगी सरकार ने किया है, तो फिर किस बात का बदला? इस खबर पर आप भी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें वीके न्यूज। धन्यवाद। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।